दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं, इंजन है, उसको जो कूलिंग सिस्टम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यानी कि जो हमारा इंजन ठंडा होता है उसको क्या करते हैं कि ठंडा कैसे होता है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो एक होता है एयर कूल्ड सिस्टम, दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। जो हमारा एयर कूल्ड सिस्टम है वो किसमें है, वो हमारे जो बाइकों में है, जिसमें क्या होता है बाहर की एयर टकरा के उसके अंदर किसी प्रकार का रेडिएटर या कूलेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और दूसरा है जो हमारा कूलिंग सिस्टम है, वाटर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, या कूलेंट, इसके अंदर क्या डलता है, कूलेंट डाला जाता है। तो आज हम बात करेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारा एयर कूल्ड सिस्टम है वो तो क्या है, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर फिन्स लगे होते हैं, उनके अंदर एयर टकराती है और इंजन को ठंडा करते हैं। और आज हम बात करेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारी गाड़ी है उसके अंदर जो वाटर कूलिंग है, यानी कि जो उसका इंजन ठंडा कैसे होता है, यानी कि जब हमारा इंजन चलता है तो इसके अंदर क्या करता है, काफ़ी हीट पैदा होती है कंबशन चैम्बर के अंदर, तो हमारा इंजन काफ़ी गर्म हो जाता है। उस हीट को सोखने के लिए जो मेकर ने सिस्टम लगाया गया है उसको क्या बोलते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हमारा जो वाटर कूलिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से भाग काम करते हैं और ये किस टेम्परेचर तक काम करता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो शुरू करते हैं, आइए हमने डायग्राम बनाया हुआ है, यानी कि जो एक हमारी नॉर्मल गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ियों को छोड़कर उसके अंदर थोड़ा अलग टाइप होता है मॉडल, लेकिन सिस्टम सेम है। अब हम बात करें छोटे गाड़ियों के अंदर जो वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे लगा हुआ है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये हमारा जो रेडिएटर, तो क्या करता है गाड़ी के अंदर ठंड में लगा होता है, ये रेडिएटर है, ये इसका जो लाइन में लगी हुई है उसको बोलते हैं फिन्स, ये फिन्स है और ये ट्यूब है जो आपको सीधी लाइन में दिखाई दे रही है इस टाइप की, ये ट्यूब है। इसके अंदर से क्या होता है कि जो कूलेंट हमारा अपर चैम्बर में भरते हैं तो फिन्स के द्वारा क्या करता है, नीचे ये लोअर टैंक में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा लोअर टैंक है, ये रेडिएटर, ये ऊपर रेडिएटर कैप, ये रिजर्वर, यानी कि इसके अंदर कूलेंट रिजर्वर है। हम इसको बात करेंगे इसके अंदर कैसे, इसके अंदर क्या क्या काम होता है इसका। ये होज पाइप है जो हमारे लोअर टैंक होज पाइप, ये अपर टैंक होज पाइप, ये हमारा थर्मोस्ट वाल है, इस वाल का बड़ा महत्व है, हम इसको जानेंगे ये कैसे कैसे काम करता है। ये फैन है, आपने गाड़ी के आगे जो फैन लगा होता है रेडिएटर का, ये हमारा फैन है। ये पंप है जो इसके अंदर लगा हुआ है, ये क्या है, वाटर पंप है। जो वाटर पंप है वो क्या है, वाटर पंप है वो फोर सर्कुलेशन विद सेंट्रीफ्यूगल टाइप का पंप है, यानी कि जैसे ही इसको चाल मिलेगी तो पंप घूमेगा, तो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल से क्या है बाहर जो कूलेंट है उसको अंदर की तरफ फेंकेगा। ये जो बने हुए हमारे इंजन के अंदर जैकेट्स बने हुए, यानी वाटर जैकेट्स बने हुए जो हमारा कूलेंट है वो क्या करता है, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक में ही घूमता रहता है, यानी कि इसके अंदर इसकी वाटर जैकेट्स बनी हुई होती है और उसी के अंदर ये घूमता रहता है। और ये इसकी वाटर जैकेट्स और इसके बाद ये फैन हो गया। अब हम इसके बात करेंगे कैसे कैसे काम करता है, इसमें काम करने वाले भाग कौन कौन से हो गए, रेडिएटर, ये हमारा रेडिएटर, ये फैन, ये होज पाइप, इसके अंदर वाटर पंप, वाटर पंप किस प्रकार का है, फोर सर्कुलेशन में सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है, और ये फैन, इसको फैन बेल्ट के द्वारा वाटर पंप को चाल मिलती है, ये हमारे जो लगी हुई जुगली क्लिप है, और इसको ये टेम्परेचर रिकॉर्ड सेंडिंग यूनिट लगी होती है यहाँ से, जो क्या करता है हमारे डैशबोर्ड में चालक को दिखाता है कि हमारी गाड़ी ओवर हीट हो रही है या उसका हीट टेम्परेचर कैसा है। आपको सबसे पहले ये बताया कि इसको लगाया क्यों भैया, अगर हम ठंडे इंजन को चलाते हैं, सर में ठंडे इंजन को चलाते हैं या फिर ज़्यादा गर्म इंजन को चलाते हैं, तो हमें क्या करता है, मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के कारण बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या करता है कि गाड़ी को एक निर्धारित टेम्परेचर पर लाकर ही चलाया जाए, ताकि इंजन के जो उसके फ्यूल एफिशिएंसी है, पॉल्यूशन है और उसके अंदर जिसलिए मेकर ने जिस उद्देश्य लगाया उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो हमारे थर्मोस्ट वाल है, ये थर्मोस्ट वाल है, हर गाड़ी को अलग अलग है, ये क्या करता है हमारे 982 डिग्री सेंटीग्रेड से 95, जो हमारा थर्मोस्ट वाल है वो 82 सेंटीग्रेड से लेकर 95 तक खुलने लग जाता है, यानी कि तब तक ये बंद रहता है। अब हम इसकी समझेंगे कार्यविधि, ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा जो क्या है कूलेंट रिजर्वर है, ये इसके अंदर क्या है, एक रिटर्न पाइप लगी हुई है, इसके अंदर जो हमारा जो कूलेंट है वो क्या आता है, रिजर्व में आता है। रिजर्व के अंदर दो निशान बने हुए होते हैं, एक मिनिमम का और मैक्सिमम का, इसको हमेशा जो फुल का निशान होता है वहां तक इसको भर के रखना चाहिए। इसमें क्या करता है, ये रेडिएटर की ओवर फ्लो पाइप है, जो ये पाइप है ये क्या है, रेडिएटर की ओवर फ्लो पाइप है। इस पाइप के दौरान क्या करता है, जैसे हमारा
रेडिएटर के अंदर प्रेशर अधिक हो जाता है, तो इसका जो रेडिएटर कैप है उसके अंदर दो वाल लगे होते हैं, पीआरवी और एनआरवी, नॉन रिटर्निंग वाल और प्रेशर रिलीज वाल। तो इसके अंदर क्या करता है, जैसे ही प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो हमारा प्रेशर रिलीज वाल खुल जाता है और उसके अंदर जो कूलेंट ज्यादा होता है किस में आ जाता है, रिजर्वर के अंदर आ जाता है। और जैसे ही हम गाड़ी को बंद करते हैं या गाड़ी को बंद करते हो, इसके अंदर कुछ वैक्यूम पैदा होता है जिसके द्वारा जो हमारा वीआरवी वाल है, वैक्यूम वाल है, जो क्या करता है वो खुल जाता है, उसके अंदर से सक करके वापस इसके अपने जो चोस होती है उसकी जगह को पूरा कर लेता है। तो अब इसके हम कार्यविधि देखते हैं कि इसकी कार्यविधि कैसे पूरा होता है। इसकी कार्यविधि जो थर्मोस्ट वाल है, जो हमारा थर्मोस्ट वाल है, उसी के हिस्से के आधार पर पूरी होती है। इसके अंदर जो थर्मोस्ट वाल है वो कैसे काम करता है उसका बारे में जानेंगे। जो थर्मोस्ट वाल हमारा दो हिस्सों में काम करता है, एक तो जब ये बंद होता है तब हमारा जो कूलेंट सिस्टम कैसे काम करता रहता है, और जब ये खुलता है तब हमारा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारा थर्मोस्ट वाल बंद हालात में हो, यानी कि अब जब हमारा सरों में गाड़ी जब स्टार्ट गाड़ी को ठंडा कर जो ठंडी गाड़ी होती है तब उसको स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं हमारा जो थर्मोस्ट वाल है वो बंद रहता है। तो इसको चाल कैसे मिलती है, जैसे हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन को स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो क्रैंक शॉफ्ट घूमेगी, क्रैंक शॉफ्ट के साथ क्या होगा क्रैंक पुली घूमेगी, और क्रैंक पुली से लगे फैन बेल्ट की मदद से क्या होती है, जो फैन बेल्ट से चाल हमारे किसी वाटर पंप को चाल मिलती है, जिससे क्या होती है जो वाटर पंप को चाल मिलने से वाटर पंप क्या करता है घूमना शुरू कर देता है, और वाटर पंप के घूमने से जो कूलेंट है रेडिएटर के लोअर टैंक से होज पाइप्स होता हुआ किसी में वाटर पंप्स होता हुआ किसमें जाने शुरू कर देता है, जो सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के वाटर जैकेट्स बने हुए हैं उसके अंदर घूमना शुरू कर देता है। उस समय क्या होता है कि जो सिलेंडर ब्लॉक है, इनलेट सिलेंडर हेड और आउटलेट इंडक्शन मैनिफोल्ड थर्मोस्ट हाउसिंग, यहाँ तक हमारा कूलेंट क्या होता है ये वाल बंद रहता है शुरू में नॉर्मल हालत में। क्या है जब हमारा थर्मोस्ट वाल बंद रहता है, बंद कब रहता है जब हमारा इंजन का टेम्परेचर है वो 82 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है तब हमारा थर्मोस्ट वाल क्या होता है बंद होता है। इसमें क्या हर गाड़ी का अलग अलग हो सकता है कि ये थर्मोस्ट वाल कितने टेम्परेचर पे काम कर रहा है, और इसके अंदर क्या है कि जो 82 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है कि हमारा जो ये थर्मोस्ट वाल हमेशा बंद रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करता है ये हमारा थर्मोस्ट वाल क्या करता है धीरे धीरे खुलने लगता है, यानी कि जैसे ही गाड़ी का टेम्परेचर 82 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है तो हमारा जो कूलेंट है वो क्या करता है, जैसे ही पंप को चाल मिल जाती है तो कूलेंट है वो लोअर होज पाइप के द्वारा जो सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड की जो वाटर जैकेट्स के अंदर है उसके अंदर घूमता हुआ थर्मोस्ट वाल तक पहुंचता है। थर्मोस्ट वाल की बंद हालत में होने के कारण जो हमारा कूलेंट है वापस पंप के अंदर ही आ जाता है, और वापस पंप के अंदर आने से जो हमारा एक्स्ट्रा ये पाइप लगी हुई है वापस पंप के अंदर आने से क्या करता है दोबारा इसी में रिसर्कुलेट करता रहता है, यानी कि एक बार जो कूलेंट इसमें चला गया वो क्या करता है वापस इसी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, जो अपर होज पाइप है उसके द्वारा अपर टैंक में नहीं जाता क्योंकि थर्मोस्ट वाल की हालत क्या है बंद है। थर्मोस्ट वाल की बंद जो हमारा थर्मोस्ट वाल है ये क्या है वैक्स टाइप का थर्मोस्ट वाल है, यानी इसके अंदर एक वैक्स भरा होता है जो ऐसे जैसे टेम्परेचर को टकराता है तो पिघलता है और उसका खुलता है। अब हम बात करें थर्मोस्ट वाल की खुली हालत, यानी जैसे जैसे हमारे इंजन का टेम्परेचर 82 डिग्री से 82 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ता जाएगा तो क्या करेगा जो थर्मोस्ट वाल के अंदर जो वैक्स है वो पिघलने लगेगा, और इसके अंदर जो क्या है कि टेम्परेचर 82 सेंटीग्रेड ज्यादा होता है तो वैक्स पिघलना शुरू हो जाता है, तो वैक्स ट्यूब पर दबाव डालता है, जो वैक्स है इसके अंदर ट्यूब है उसके ऊपर क्या करता है दबाव डालता है, जिससे क्या करता है इसके अंदर जो लगा प्लंजर वो क्या करता है नीचे की हरकत करता है, यानी कि वैक्स है ट्यूब पर दबाव डालता है जिसके अंदर क्या प्लंजर नीचे की हरकत करता है, और प्लंजर क्या करता है प्लंजर कंट्रोल डिस्क के साथ जो हमारा जो प्लंजर क्या है कंट्रोल डिस्क के साथ फिट होने के कारण के जो इसके अंदर कंट्रोल डिस्क वो क्या करती है नीचे की ओर खिसक जाती है, यानी कि जो जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वैक्स के दबाव डाल और जो कंट्रोल डिस्क को क्या करेगी नीचे की तरफ खिसक जाती है, यानी कि नीचे की तरफ दबती है जिससे जो स्प्रिंग होती है ये स्प्रिंग ये क्या करती है सुकड़ती है। ठीक है, इस समय क्या होता है अपर डिस्क और कंट्रोल डिस्क के बीच खाली जगह है, यानी कि इसके अंदर एक अपर डिस्क होती है और एक बीच में कंट्रोल डिस्क होती है, इन दोनों के बीच में क्या करता है दब गैप बन जाता है। जब कूलेंट खाली जगह जब इसके अंदर ही खुल जाता है तो हमारा क्या करता है कूलेंट धीरे धीरे इसके अंदर जाना
शुरू हो जाता है, यानी कि जो हमारा थर्मोस्ट वाल है वो क्या करता है 82 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुलना शुरू हो जाता है। ये हर गाड़ी के अंदर अलग अलग हो सकता है, किसी का 85 पे खुलता होगा, किसी का 82 पे। तो मैंने जो लिया है बार्टी जिप्सी का, उसके अंदर क्या 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे खुलता है। ठीक है, इसके खुलने से क्या है कि जो हमारा अपर प्लेट और कंट्रोल प्लेट है उसके अंदर क्या है, बीच के अंदर जो डिस्क है उसके बीच के अंदर जगह खाली होने लग जाए, यानी उन आपस में जो चिपकी हुई थी उनका गैप शुरू हो जाता है और ये 82 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा खुलना शुरू कर देता है। और ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, जो कौन ये पूरा खुल जाए, जो थर्मोस्टेट वाल है वो पूरा खुल जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है कि फिर जो हमारा कूलेंट जो इसके अंदर रेडिएट थर्मोस्टेट वाल्व से होकर वापस पंप में आ रहा था वो क्या करता है, इसमें ना के थर्मोस्टेट वाल्व से होता हुआ किसमें चला जाता है, जो अपर रेडिएटर का टैंक है उसके अंदर अपर होज पाइप के द्वारा किसमें चला जाता है, अपर टैंक में जाना शुरू हो जाता है। जब हमारा मिनिमम ये क्या करता है कि थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है तो कितना खुलता है, ये तो हमारा जो थर्मोस्टेट वाल्व का गैप है वो क्या करता है, लगभग 8 mm के आसपास इसका गैप होता है वो क्या करता है खुल जाता है, यानी कि अपर डिस्क और कंट्रोल डिस्क के बीच में कितना 8 mm का गैप लगभग इतना होता है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है तो क्या करता है, थर्मोस्टेट वाल्व हमारा पूरा खुल जाता है। और जो हमारा जब 82 से जब थर्मोस्टेट वाल्व बंद था, जो कूलेंट था जो रिजर्वर साइड्स होता वो वापस इसमें जा रहा था, क्या करता है थर्मोस्टेट वाल्व से होते हुए अपर होज पाइप से होते हुए क्या करता है रेडिएटर का अपर टैंक में चला जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंजन का बढ़ता रहता है तो क्या करता है इसका कूलेंट इसके वाटर जैकेट्स के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। सर्कुलेट करने से उसका हीट क्या है, जो हीट के सिद्धांत पे यानी कि उष्णता को उष्णता के इफेक्ट से क्या करता है ये एक दूसरे से संपर्क मात्र से ये क्या करता है जो कूलेंट होता है उसके अंदर पूरे जो हमारा इंजन है उसके अंदर क्या रहता है सर्कुलेट करता रहता है यानी कि घूमता रहता है। इसके अंदर क्या करता है कि जैसे जैसे जो हमारा रेडिएटर कैप है इसका क्या करता है बड़ा महत्व, इसके अंदर दो वाल लगे होते हैं, एक पीआरवी वाल और एक एनआरवी वाल, यानी कि ये हमारा रेडिएटर कैप है इसके अंदर क्या कि दो वाल लगे हुए हैं। इसके अंदर जो ये है जो बड़े वाला दिखाई दे रहा है ये क्या करता है ये पीआरवी वाल है। तो इसके अंदर जो छोटे वाला है ये देखो ये दबता है ये बाहर भी निकलता है, यानी कि ये देखो ये है वीआरवी वाल यानी कि वैक्यूम रिलीज वाल, और जो ये बड़े वाला है ये दबेगा ये क्या है पीआरवी प्रेशर रिलीज वाल। ये क्या करता है ये देखो ये प्रेशर रिलीज वाल और ये वैक्यूम रिलीज वाल, जैसे ही हमारा इंजन लगातार चलता रहेगा तो क्या करता है कि इसके अंदर प्रेशर लगातार बनता चला जाता है, जो हमारा रेडिएटर है उसके अंदर प्रेशर लगातार बनता रहता है। जैसे ही रेडिएटर का प्रेशर 0.9 यानी कि पीआरवी हमारा हो गया 0.9 केजी पर सीएम स्क्वायर, यानी कि जैसे हमारे रेडिएटर के अंदर प्रेशर 0.9 केजी पर सीएम स्क्वायर का प्रेशर बन जाएगा तो हमारे जो रेडिएटर के अंदर लगा पीआरवी वाल क्या होता है खुल जाता है, इसके ऊपर दबाव पड़ता है और ये खुल जाता है, जिससे हमारे जो हमारा कूलेंट की मात्रा है वो क्या करते हैं ओवरफ्लो पाइप के रास्ते किसमें आ जाता है रिजर्व में आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा पीआरवी वाल खुल जाएगा और उसके अंदर क्या होगा कि जो कूलेंट हमारा किसमें ओवरफ्लो पाइप के रास्ते किसमें रिजर्वर में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जैसे ही गाड़ी लगातार चलती रहेगी तो हमारा इस तरह कूलेंट पूरे सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा और प्रेशर बढ़ता रहेगा तो जो कूलेंट है वो क्या करेगा ओवरफ्लो पाइप के द्वारा रिजर्व में आता रहेगा, थर्मोस्टेट वाल्व की खुली हालात में रहेगी और जो हमारा कूलेंट इसमें सर्कुलेट करता रहेगा। जो हमारा वाटर पंप है उसको फैन बेल्ट से चाल मिलेगी और सेंट्रीफ्यूगल के कारण क्या करता है कूलेंट को अंदर खींचता है, जिससे सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक में बनी जो जैकेट है उसके अंदर कूलेंट घूमता रहता है। अब आता है जब हम गाड़ी को बंद करते हैं, यानी कि जब हम गाड़ी को बंद करते हैं तो क्या करता है इसके अंदर हाई प्रेशर बना हुआ रहता है, यानी कि इसके अंदर प्रेशर बना हुआ है, वाल्व भी क्या पीआरवी वाल्व खुला हुआ है। और जैसे गाड़ी को बंद करते हैं तो क्या करता है हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, यानी कि जैसे इंजन बंद हो गया तो हमारे पंप को क्या हो गया तो हमारे पंप को चाल मिलना, तो जैसे हम इंजन को बंद कर देते हैं तो क्या करता है कि जो हमारा इसके अंदर जो प्रेशर बना हुआ था अचानक बंद होने से क्या करता है इसमें वैक्यूम पैदा हो जाता है। इसके अंदर वैक्यूम पैदा होने से क्या, यानी कि जैसे ही वैक्यूम का प्रेशर 0.5 यानी कि वैक्यूम का प्रेशर 0.5 होते ही क्या होगा कि जो हमारा वीआरवी वाल है जो हमने दिखाया जो छोटे वाल वीआरवी वाल है ये खुल जाएगा, यानी कि जो रेडिएटर का वी नीचे की तरफ खुल जाएगा। जब वीआरवी वाल वैक्यूम रिलीज वाल
जैसे ही खुलेगा तो क्या करता है वो सक के द्वारा यहाँ चूस पाता है और ये कूलेंट को क्या करता है वापिस वापिस रेडिएटर के अंदर आ जाता है। यानी कि जो जैसे ही वैक्यूम रिलीज वाल होगा, अगर हम वैक्यूम रिलीज वाल नहीं होगा जैसे ही चूस, तो क्या कर हमारा रेडिएटर के ऊपर डैमेज हो सकता है, बेंट हो सकता है, फट सकता है। इसलिए इसके अंदर वैक्यूम रिलीज वाल लगाया गया है जो 0.5 kgcm² के प्रेशर होते ही खुल जाते हैं, इतना चूस पड़ते ही वो खुल जाता है। उसके खुलने से क्या है, जो हमारा रिजर्वर के अंदर कूलेंट भरा था उसको क्या करता है ओवर फ्लो पाइप के द्वारा वापस अपने अंदर खींच लेता है, जिससे हमारा रेडिएटर क्या है फटने से या सिकुड़ने से बच जाता है। तो ये थी दोस्तों इसकी कार्यवाही कि हमारा एक वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से भाग काम करते हैं और इसका पीआरवी वीआरवी वाल और थर्मोस्ट वाल का क्या महत्व है, कैसे और कब क्या ओपन होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं इसके अंदर पानी ज्यादा डालते हैं, यानी कूलेंट का इस्तेमाल कम करते हैं और पानी कम डालते हैं। तो जो पानी है उसको क्या करते हैं, हमें पानी नहीं डालना चाहिए, हमेशा कूलेंट को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि कूलेंट का यूज करने क्या, एक तो अगर पानी डालें तो जंग लग जाएगा, कूलेंट क्या जंग नहीं लगने देगा। अगर हमने इसके अंदर कूलेंट डाल रखा है, अगर कहीं से लीकेज होगा कोई भी पाइप, यदि कूलेंट नीचे गिरेगा तो हमें आसानी से पता लग सकता है कि हमारा जो कूलिंग सिस्टम है कहाँ से लीकेज है। और ये क्या करता है, जो हमारा कूलेंट है वो ठंडे इलाके में जमेगा नहीं, यानी कि उसका वो जम नहीं जाएगा, यानी कि एकदम जो लिक्विड कंडीशन में ही रहेगा। और क्या करेगा, वाटर पंप का भी लुब्रिकेशन करता है, जो हमारा वाटर पंप घूमता है तो उसका लुब्रिकेशन किससे होता है, कूलेंट से ही होता है। तो ये था दोस्तों वाटर कूलिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसे काम करता है और किस टाइप का, यानी जो हमारे इंजन है कूलिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो एयर कूल्ड सिस्टम, दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम। तो हमने बात किया है वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। अब हम जानेंगे कि जो हमारा इंजन ओवरहीट होने के कारण क्या है, यानी कि हमारा इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसका कारण क्या क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि हमारा जो इंजन किस किस कारण से गर्म हो सकता है, यानी कि इंजन के गर्म होने के कारण क्या क्या है। अब आप ही इसके अंदर डायग्राम से देख के बता सकते हैं कि हमारा जो इंजन ज़्यादा गर्म होगा क्या होगा। इसके अंदर आपको पता है एक थर्मोस्ट वाल के ऊपर जो हमारे टेम्परेचर सेंडिंग रिकॉर्ड लगी यूनिट लगी होती है, जो हमारे डैशबोर्ड पे क्या करती है, यही से जो उसका कनेक्शन थर्मोस्ट वाल से जाता है, जो सी और उसको आई पे डिनोट करता है, यानी कि जो हमारा कूलिंग सिस्टम है। अब इसको एक बार देखेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इंजन हमारा ज्यादा गर्म कब होगा, इंजन हमारा जब गर्म जब होगा जब हमारा थर्मोस्ट वाल है बंद हालत में जाम हो जाए। यदि हमारा थर्मोस्ट वाल काम नहीं कर रहा है तो भी हमारा इंजन क्या है, गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी। अगर सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर यदि कूलेंट कम है, यानी कि जितना इसके अंदर डलना चाहिए उतना नहीं डला हुआ है, यानी कि लिमिट से कम है, तो भी हमारी गाड़ी ओवरहीट होगी। यदि हमारा जो फैन बेल्ट को वाटर पंप को जो फैन बेल्ट से चाल मिल रही है, अगर वो फैन बेल्ट लूज है तो भी हमारा क्या हुआ, इंजन ओवरहीट हो जाएगा। और हमारा वाटर पंप काम नहीं करेगा तो भी हमारा इंजन ओवरहीट होगा। ठीक है, यदि रेडिएटर के फैंस, यदि जो फैंस है बैंड हो जाएगी तो क्या इनके अंदर जो एयर टकराएगी वो क्या क्या अच्छी तरह से टकराएगी तो उसको ठंडा नहीं कर पाएगी, तो उसको तो भी हमारा इंजन क्या होगा, ओवरहीट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर ट्यूब्स में जंग लग गया तो भी हमारा क्या होगा, वाटर जो कूलेंट है नीचे नहीं जा पाएगा तो ओवरहीट करेगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा टेम्परेचर गेज है, जो हमारा मेन सबसे ज्यादा जो गेज है, अगर वही खराब हो जाएगा तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमारी गाड़ी का टेम्परेचर कितना है, कम है ज्यादा है, वो नहीं बता पाएगा तो भी हमारी गाड़ी क्या होगी, ओवरहीट होगी। ये था दोस्तों गाड़ी ओवरहीट होने के कारण। तो ये था हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम। नमस्कार।